आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। एक महिला ने अपने पति की दूसरी शादी करने का सपना पुलिस की मदद से चकनाचूर कर दिया। महिला को सूचना मिली कि उसका पति बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र स्थित एक शादी हाल में दूसरी शादी कर रहा है। महिला ने बरेली के SSP रोहित सिंह सजवाण से शादी रोकने की गुहार लगाई। महिला ने SSP को बताया कि उसकी दो बेटियां हैं, अगर समय रहते शादी रोकी नहीं गई तो 3 जिंदगियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। SSP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बारादरी पुलिस को शादी रोकने का आदेश दिया। महिला बारादरी पुलिस के साथ रॉयल बैंक्वेट हॉल पहुंची, जहां शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी काम बंद करवा दिए। महिला अर्चना गुप्ता ने बताया कि उसके पति गौरव गुप्ता द्वारा शादी करने की सूचना उसे किसी अज्ञात लड़की ने दी। सूचना पाकर वह बरेली पहुंची और SSP से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी। SSP ने उसके पति के मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा दिया, जिससे उसके पति की लोकेशन पता चल गई। अर्चना ने यह भी बताया कि वह बीते दिन ही बरेली पहुंची थी, साथ ही थाना बारादरी भी गई थी। उसे बारादरी पुलिस ने पूरा सहयोग दिया। पति का शादी से पहले से ही दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अर्चना ने बताया कि उसके पति गौरव निवासी तिलहर का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। यह बात उसे तब पता चली जब उसने अपने पति के साथ एक लड़की का फोटो देखा। अर्चना ने अपने पति को समझाया, सब छोड़कर अपने बच्चों पर ध्यान दो। तब उसके सास ससुर ने अर्चना से गौरव को तलाक देने को कहा। अर्चना ने बताया उसकी शादी वर्ष 2006 में हुई थी, तब गौरव पढ़ाई करते थे। अर्चना ने बताया कि उसको अज्ञात लड़की से सूचना मिली थी कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। वह ये नहीं जानती वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। सूचना पाते ही उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। मुझे अज्ञात सूचना मिली थी कि इनकी शादी होने वाली है आज बरेली में जी। ठीक है, तो मैं कल थाने गई। ठीक है, तो मेरा मतलब मैंने इनका SP से मतलब लोकेशन पर डलवाया फोन, मुझे पता चल गया। मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ आने के बाद मैं फिर SP ऑफिस गई। यहाँ SP ऑफिस के बाद जाने के बाद मैं सर मतलब दूसरे मतलब बरादरी में गई जी। ठीक है, मैंने वहाँ हेल्प मांगी तो मुझे हेल्प मिली, क्योंकि इसलिए हेल्प मिली, मेरे दो छोटे बच्चे हैं। कितनी कितनी उम्र है इनकी बच्चों की? बच्चों की उम्र है, एक 6 साल की है, एक 8 साल की है। दोनों बच्ची हैं? दोनों बच्चे हैं। अच्छा, एक आरब है, एक अभी है, अभी का नाम आगम है। अच्छा, तो ये डिस्प्यूट जाएंगे नहीं आप? ये डिस्प्यूट आपका बीच का डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट हमारा ये था, इनका एक लड़की से अफेयर चल रहा था बहुत पहले से। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता जी। इनका बहुत पहले से लड़की से अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके फोटो इनके साथ देखे। आपकी शादी से पहले या आप शादी के बाद? अच्छा, शादी के बाद। ये ड्रिंक भी बहुत करती है, कुछ काम नहीं करती, ये ड्रिंक भी बहुत करती है। तो इनका मैंने लड़की के साथ फोटो देखा, मैंने ये कहा तुम्हारा जो कुछ हुआ हो उसको खत्म कर दो। ठीक है, अपनी घर गृहस्थी देखो, अगर नहीं तो ठीक है, ऐसा है हमें चैन से रहने दो, हमारे बच्चों के साथ आपका मन हो सो करो। ठीक है, हमें इस घर में चैन से रहने दो। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं, इनकी माँ ने कहा तुम इन्हें 3 महीने की तलाक दे दो। इनके आपके हस्बैंड के माताजी का पिताजी का क्या नाम है? मम्मी का नाम है इनकी धनपति गुप्ता, और इनके पापा का नाम है रोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? तिलहर के रहने वाले हैं। तिलहर किसे? कौन? माजमपुर पुलिस चौकी के पीछे घर है। अच्छा, आपकी शादी किस समय हुई थी? हमारी शादी 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। ये करते क्या है? कुछ नहीं करते थे, तब पढ़ते थे ये। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? तो ये अकेले हैं, एक इनका मौसेरा भाई है गोपाल। आज जो डिस्प्यूट है, आपको ये पता लगी थी शादी इनकी दूसरी कर रहे होने वाली है? अच्छा, आज तो आपने लिखित में कंप्लेंट दी है पुलिस को? जी आज। जिससे शादी हो रही है वो लड़की कहाँ की है? मुझे कोई सूचना मिली नहीं, मुझे यही पता है कि बरेली में शादी हो रही, बरेली की ही लड़की है। कब से अफेयर चल रहा था उसका? उनका अफेयर चल रहा था आज से मतलब 4-5 साल पहले से। मेरी शादी हो गई, मेरे दो बच्चे भी हो गए थे, उसके बाद भी हमने जब देखा फोटो वोटो तो मैंने यही कहा था कि ये सब गलत चीजें हैं, इसको मत। क्या अपने हस्बैंड का कोई फोटो वोटो है आपके पास अभी मोबाइल में या फाइल फोटो? है, फोटो दिखा दो इनको। और आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर।